Hello guys, welcome back to my new video. In this video, we'll study about rule 35, that is sound signal and restricted visibility. In this here, we can see that it is written here, in or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signal prescribed in this rule shall be used as follows. Means, restricted visibility mein ya restricted visibility ke area mein, chahe din ho ya raat, is rule ke according hum sound signal ko follow karenge. So let's see one by one. Now coming to point A, a power driven vessel making way through the water shall sound at interval of not more than 2 minutes one prolonged blast. Means, jo bhi vessels machinery required karte hain apne movement ke liye, so that will be called as power driven vessel. So us type ke vessel jo hote hain, jab wo move karta hai sea mein, to wo sound karta hai one prolonged blast. Aur uska jo interval hai, wo 2 minutes se zyada ka nahi hona chahiye. Now coming to point B. If all the power driven vessel stop and making no way through the water shall sound an interval of not more than 2 minutes to prolonged blast in succession with an interval of about 2 seconds between them. Means कि जितने भी पावर ड्रिवन वेसल हैं वो वाटर में मूव नहीं कर रहे हैं, सो उस टाइम पे जो पावर ड्रिवन वेसल होगा उसका साउंड सिग्नल होगा 2 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, और उन दोनों ब्लास्ट के बीच का जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी 2 सेकंड. मींस कि वो पहला प्रोलॉन्ग ब्लास्ट साउंड किया, फिर उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा प्रोलॉन्ग ब्लास्ट साउंड किया, और इस साउंड का जो इंटरवल होगा वो 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ सी, जो भी वेसल इस टाइप के होते हैं, दैट इज वेसल नॉट अंडर कमांड, वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैनूवर, vessel constrained by a draught, sailing vessel, and vessel engaged in fishing, and vessel engaged in towing operation. So, इस type के जो vessels होते हैं वो sound करेंगे one prolonged blast followed by two short blast. और इसका जो Morse code होता है वो होता है D, that is delta, और वो show करता है I am maneuvering with difficulty. और जो इस sound का जो interval होगा वो 2 minutes से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. इसके पहले वाले paragraph में हमने पढ़ा for A कि कोई भी power driven vessel move करता है तो उसका साउंड सिग्नल होगा 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, और अगर वो स्टॉप कर जाता है तो उस टाइम पे उसका साउंड सिग्नल होगा 2 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, और अगर वो डिफिकल्टी से मैनूवर करता है तो उस टाइम पे उसका साउंड सिग्नल होगा 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलोड बाय 2 शॉर्ट ब्लास्ट. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ डी, सो पैराग्राफ डी के अकॉर्डिंग कोई भी फिशिंग वेसल है जो कि एंकर पे है और वो फिशिंग में एंगेज है, या कोई और भी वेसल है जो कि एंकर पे है और किसी ऑपरेशन में एंगेज है, तो उस टाइम पे वो पैराग्राफ जी के अकॉर्डिंग वो सिग्नल को फॉलो नहीं करेगा. इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या है. सो इस टाइम पे जो भी वेसल एंकर पे है और किसी ऑपरेशन में इंगेज्ड है, सो उस टाइम पे वो फॉलो करेगा पैराग्राफ सी के अकॉर्डिंग, दैट इज डेल्टा मोर्स कोड, मींस वन प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलोड बाय टू शॉर्ट ब्लास्ट. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ ई, दैट इज अ वेसल टोड, और इफ मोर देन वन वेसल इज टोड, द लास्ट वेसल ऑफ द टो इज मैन सेल एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 2 मिनट साउंड 4 blasts in succession, namely 1 prolonged blast followed by 3 short blasts. When practicable, this signal shall be made immediately after signal made by the towing vessel. So obviously, the towing vessel ka sound signal hoga, that is 1 prolonged blast followed by 2 short blasts, aur uske just after hona chahiye power driven vessel ka, that is 1 prolonged blast followed by 3 short blasts. मीन्स कि अगर कोई टोइंग वेसल किसी पावर ड्रिवन वेसल को टो करता है, सो उस टाइम पे जो पावर ड्रिवन वेसल का साउंड सिग्नल होगा दैट विल बी 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलोड बाय 3 शॉर्ट, और ये जो साउंड सिग्नल होगा वो टोइंग वेसल के साउंड सिग्नल के बाद होना चाहिए. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ एफ, मीन्स कि अगर कोई वेसल पुश्ड किया जाता है किसी वेसल से या किसी यूनिट से वो रिजिडली कनेक्टेड होता है, सो उस टाइम पे हम उस वेसल को पावर ड्रिवन वेसल ही कंसिडर करेंगे, और उस टाइम पे जो उसका साउंड सिग्नल होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ए एंड बी. मीन्स if sea is moving, that will be 1 prolonged blast, and if sea will stop, then at that condition, that will be 2 prolonged blast. Now coming to paragraph G, means कि अगर कोई vessel anchor पे है, so उस time पे वो अपने bell को ring करेगा 5 seconds के लिए, और अगर उस vessel का length 100 meter होता है, so वो अपने fore part पे bell को ring करेगा, और उसके just after अपने stern पे वो gong को ring करेगा, which is also of about 5 seconds. सो इस साउंड के प्रोड्यूस करने के बावजूद भी वो एडिशनली साउंड प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज सी इज़ अ टैंकर, और अपने पोजीशन को और कोलिजन अवॉइडिंग के लिए वो साउंड करेगा 3 ब्लास्ट इन सक्सेशन विच विल बी ऑफ 1 शॉर्ट 1 प्रोलॉन्ग 1 शॉर्ट. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ एच, मीन्स कि अगर कोई वेसल अग्राउंड है, सो उस टाइम पे वो अपने बेल को रिंग करेगा, एंड इन एडिशन सी विल ऑल्सो साउंड द सिग्नल ऑफ गोंग, which is according to paragraph G, that will be of 5 seconds. In addition with this sound, जब भी हम बेल को रिंग करने जाएंगे, सो उसके पहले और उसके बाद में हम
separate or distinct strokes denge bell pe. And obviously whistle is a ground, so we are in danger. So according to Morse code hum whistle ko sound karenge. Now coming to paragraph I. So paragraph I ke according jo bhi whistle ka length 12 meter se 20 meter ke beech mein hota hai, so us time pe wo paragraph G aur H ko follow nahi karega, means he will not ring the bell as well as gong. इसके बाद भी अगर वो वेसल साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करना चाहता है, देन सी विल साउंड सम एफिशिएंट साउंड सिग्नल. इसका इंटरवल 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. एंड नाउ कमिंग टू पैराग्राफ जे, सो इट इज सेम एज दैट ऑफ आई. कि जो भी वेसल 12 मीटर से कम होता है, सो एवोब मेंशनड जो भी साउंड सिग्नल है उस चीज को वो फॉलो नहीं करेगा. बट तब पर भी अगर वो साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करना चाहता है, देन सी विल प्रोड्यूस सम एफिशिएंट साउंड सिग्नल. इसका इंटरवल 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ के, मींस अ पायलट वेसल व्हेन एंगेज्ड ऑन पायलटेज ड्यूटी मे इन एडिशन टू द सिग्नल प्रिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ ए बी और जी ऑफ दिस रूल साउंड एंड आइडेंटिटी सिग्नल कंसिस्टिंग ऑफ फोर शॉट ब्लास्ट. सो इफ देयर इज पायलट ऑन बोर्ड, मींस द सिग्नल ऑफ फ्लैग विल बी ऑफ एच, दैट इज होटल फ्लैग, एंड द मोर्स कोड ऑफ होटल फ्लैग विल बी फोर शॉट ब्लास्ट, व्हिच मींस आई हैव पायलट ऑन बोर्ड. So now, this brings to the end of rule 35. I hope you guys liked it. If you have any doubt, just feel free to comment it below. Please do share and subscribe. Thank you.